हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ऑन द रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हर हर महादेव। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शादी के बाद मेरी बहन और हस्बैंड बहन के दोनों पहली बार आए, संकेत और भारती। तो आए थे तो हमने सोचा चलो घूमने चलें। संकेत ने देखा भी नहीं था ओरछा धाम, तो और हम लोगों को भी जाना था, मतलब काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। तो हम लोग ओरछा आए हुए हैं, तो बस हम सुबह सुबह ही निकल गए थे क्योंकि आजकल धूप इतनी हो रही, धूप में तो सोच भी नहीं सकते। तो सुबह का ही टाइम है, फिर भी देख सकते हैं आप कितनी धूप हो गई। और हम लोग पहुंच गए हैं तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देंगे। और ये भारती के हस्बैंड थे, भारती को तो आपने हमेशा देखा, और संकेत, और दोनों एक जैसे ही लगते हैं। बहुत प्यारी जोड़ी है और हमेशा ऐसे ही बनाई रखे भगवान इन दोनों की जोड़ी। तो बस अब हम अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। और ओरछा धाम सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। और पहले भी हम कई बार मतलब आ चुके हैं, लेकिन क्या होता है कई बार आने के बाद भी हर बार लोग आना चाहते हैं। तो ये देखिए पापा बेटी दोनों अंदर आगे आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे। तो यहाँ से एंट्री हो गई। और यहाँ पर देखिए तांबे पीतल के बर्तन मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। देखिए अगर किसी को कुछ लेना हो, मूर्ति वगैरह, सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि जो मैं अपना पर्स हुए ना अपनी गाड़ी में ही भूल आई। ऐसा नहीं था कि पर्स हस्बैंड पैसे नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बाद में ले लेंगे। तो बस हम लोग अंदर आ गए और प्रसाद लेंगे, वहीं पर चप्पल जूते निकाल देंगे। और हस्बैंड हमेशा आते हैं, वही ये देखिए कितनी प्यारे प्यारे मतलब मूर्तियाँ हैं। तो जहाँ हस्बैंड जूते चप्पल निकालते हैं हमेशा आना होता है उनका, क्योंकि सर वगैरह आते हैं उनके जो जॉब करते हैं हस्बैंड, तो उनको भी घुमाना आना होता है। मतलब बोलते हैं कि चलो ओरछा चलें तो आना होता है, तो वो यहीं पर आते हैं हमेशा इसी दुकान पर। देखिए मिठाइयाँ रखी हुई हैं, हर रेट की मिठाइयाँ जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए धूप काफ़ी हो रही थी, सुबह का ही टाइम है, 8 बजे होंगे, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग लेंगे फूल माला और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अंदर। और यहाँ पे देख सकते लड़का था जो राम राम लिख रहा था, और बेटी हस्बैंड पहले ही निकल गए। तो यहाँ पे हम तीनों थे, संकेत भारती में, तो हम लोग माथे पर लिखवाएंगे राम राम। देखिए लड़का था तो हम लोगों ने लिखवा लिया, संकेत ने, मैंने, भारती ने। और ये भारती ना बहुत धीमे धीमे चलती, हम लोग आगे निकल जाते, पीछे पीछे इतने पीछे आएगी, इसका हमेशा का ही रहता है, मार्केट जाओ या कहीं भी पीछे चलती है। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे संकेत और मैं। तो बस हम लोग देखिए फूल माला लेकर जा रहे हैं अंदर। नीचे मैंने सोचा वो किधर गई है, दो कैमरे वाले। और मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है फ़ोटो या वीडियो बनाना, तो बस मैं इधर ये वीडियो थोड़ी सी बनाऊंगी, इसके बाद अपना मोबाइल रख लूँगी, पता चले कि बाद में मतलब पुलिस वाले ले ले। और हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे, भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा लगते लगते। और यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखिए, हरदौल बैठक, हरदौल लला जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब भी कोई शादी होती है तो सबसे पहले कार्ड लगाने ओरछा हरदौल मतलब ओरछा आते हैं, और यहाँ पर जो हरदौल लला जी हैं यहाँ पे भात खिलाने आते हैं। तो बस यहाँ पे मंदिर देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत भीड़ थी, जो शादी होती है तो भात खिलाते हैं, और ओरछा का जो मंदिर है राम जी का तो वहाँ पे कार्ड लगाते हैं। इसके बाद फिर और सब जगह कार्ड लगाना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर भी दर्शन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई मैं उधर, क्योंकि जा ही नहीं पाई वहाँ पर। तो बस हम लोग ऐसी परिक्रमा करके और मैं बैठ गई थी, और हस्बैंड और भारती नारियल यहाँ पर नारियल हम भात खिलाने जाते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह की ढोल बजते हैं, किसी को नाचना होता है तो नाचते हैं, गाते हैं।
तो अभी हम लोग आ गए दर्शन करके, तो यहाँ पर टिक्की पियेंगे और टिक्की पीने के बाद फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं मंदिर जाओ तो लेके आओ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए भारती चूड़ी ले रही है, तो भारती ने ली, मैं भी लूँगी जो तो पहने हो, हरी चूड़ी, हरी प्याले लाल। जी कैसे दे रहा जी, पूछता ना कैसे दे रहा जी, कौन सी है ये वाले? 100 के दो लगे, ये वाले 100 के चार लगे, ये वाले 150 के दो लगे। बैंड टेक वही जला रही, दुखत जा हो गई, नहीं लग रही। और ये वीडियो मैं इधर तक कहीं रहने दूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी दिखाएंगे कहाँ गए और घूमने। और 9:30 बजे हम दर्शन करके फ्री हो गए, मैं और भारती पीछे रह गए काफ़ी टाइम बाद, मतलब खरीदने लगे और हस्बैंड आगे निकला है, बोलने लगे तुम लोग कहाँ पर रह गई थी। तो बस इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत मशहूर है सब्जी पूड़ी, नाम पता नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया कि नहीं, बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर खाना, सब्जी पूड़ी मिलती है तो हम लोग, और रायता, तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से खाना खा के तो नहीं आएंगे, जब दर्शन करने जाते हैं तो खाली पेट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खा रहे हैं सब्जी पूड़ी, रायता इसी तरह से मिलता है यहाँ।